हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल इंजीनियर्स गार्डन में। तो आज हम एक अपनी सब्जी हमने लगाई थी करीबन 2.5 मंथ पहले, मतलब हमने भी ट्राई किया था कि पता नहीं उगेगा नहीं उगेगा, तो उग तो गई थी। तो आज हम उसको हार्वेस्ट करेंगे और उसमें कुछ और लगाएंगे, क्योंकि हमसे कुछ गलती हो गई थी जिसकी वजह से अभी आगे वो उतना ग्रो नहीं करेगी। तो आगे से हम उसका ध्यान रखेंगे। और सब्जियों में ऐसे ही है कि जैसा अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सही ग्रोथ नहीं हो रही, तो मेरे हिसाब से तो उसको निकाल के आप दूसरी लगा लें तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि अदरवाइज उसी पर टाइम स्पेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा भी नहीं मिलेगा और उतने में तो आपकी दूसरी सब्जी उग के तैयार हो जाएगी, क्योंकि सब्जी का सीजन भी सर्दियों का है। तो बेटर है कि इसको निकाल के हम कुछ और लगाएं। तो इसमें हमने लगाई थी करीबन 2.5 मंथ पहले रेडिश, मूलियाँ लगाई थी इसमें। तो उसमें मैं गलती बता देता हूँ, गलती क्या हुई थी हमारे सेक्शन में, क्या होता है मूली लगाने के बाद ना आपको उस पर ना कुछ टाइम बाद जब उसका ट्रंक थोड़ा लंबा होने लगता है तो उस पर ना मिट्टी चढ़ानी पड़ती है। तो मिट्टी चढ़ाने से क्या होता है कि तभी मूली जनरेट होती है। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें ये मूली आप साफ साफ देख सकते हैं कि मूली जनरेट हो रही है। तो अभी और में भी देखते हैं, लेकिन और में मुझे लगता नहीं कि शायद क्योंकि हमने मिट्टी थोड़ा लेट चढ़ाई तो एक दो में ही जनरेट हुई है, बाकी में उतनी ग्रोथ नहीं हो पाई। तो आगे से हम इसका ध्यान रखेंगे और अभी इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं और इसकी एटलीस्ट एक बार की हमारी मूली के पत्तों की सब्जी बन जाएगी। और सेकंड टाइम बाकी मूली और मूली के पत्ते मिलाकर एक बार सब्जी बन जाएगी। और दूसरी भी जब हमने कुछ जगह लगाई हुई है तो वहाँ पर भी देखते हैं। तो इसको हम ट्राई करते हैं और आज इसको हम इसकी हार्वेस्टिंग लेंगे, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ और फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि इसमें से हमारा कैसा रिजल्ट रहा है। तो आगे भी हम इसको मतलब इसी तरह से उगाएंगे। तो दो तीन मिस्टेक हुई है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। और ये आप देखिए मैंने इसको किसमें लगाया हुआ है, ये मेरे पास एक इस तरह की बास्केट थी जिसमें मैंने इसको लगाया। तो थोड़ा सा मिक्सचर के बनाने में मुझसे प्रॉब्लम मतलब गलती हो गई थी, तो उसी वजह से इसकी ग्रोथ इतनी नहीं हुई है। हालांकि मैंने बाद में कोशिश की, लेकिन इसके लिए जो इस तरह की वेजिटेबल एक्चुअली में एक बार में ही ग्रो करती है, तो आप इनको अंदर से तो फर्टिलाइजर दे नहीं सकते। तो इसके लिए बेटर ये रहता है कि आप इसको वन टाइम जो इसकी मिट्टी तैयार करते हैं वही इतनी न्यूट्रिशन से भरपूर होनी चाहिए कि इसको आगे आपको एटलीस्ट मिट्टी में तो आप दोबारा नहीं दे पाएंगे ना, ऊपर से ही आप दे सकते हैं जो भी आप न्यूट्रिशन इसको प्रोवाइड करेंगे। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं और फिर साथ आपकी डिटेल शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं रिजल्ट वैसे ही रहा जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, कोई बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं हुई है, वही हमारी प्रॉब्लम की वजह से। कोई बात नहीं, फिर ट्राई करते हैं हम इनको और अगली बार फिर आपको रिजल्ट दिखाएंगे।